अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई मदीना पहुंच गया हूं और टर्मिनल पे नफली भी पढ़ ली शुक्राने की और अब मैं बस के थ्रू जो होटल जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबका सलाम कह दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक। और ये खूबसूरत सुबह के साथ एक दफ़ा फिर मैं हाजिर अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत मॉर्निंग है, बहुत ही खूबसूरत, एकदम ब्राइट और हल्की हल्की धूप और विद खूबसूरत हवा के साथ, ठंडी ठंडी हवा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे सब? आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और जुम्मे में हम स्टार्ट करते हैं मेक श्योर के एक अच्छी सी और मज़ीद अच्छी सी बात, ताकि ज़रा याद दहानी रहे। आज मेरे पास तीन बातें करने के लिए, जिसमें से एक न्यूज़ है और बड़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारी मुबारक न्यूज़ है, और दो जो है वो याद दहानी वाली बातें हैं उसमें जुम्मे के हवाले से। तो यकीनन आपको तीनों बातें सुन के बड़ा मज़ा आएगा और आप इंजॉय करेंगे। आ जाए, आते हैं न्यूज़ की तरफ कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ मेरे लिए अभी और आप सब के लिए भी बड़ी मज़ेदार होगी कि आज माशाल्लाह माशाल्लाह, आज नहीं तीन चार दिन पहले, माशाल्लाह माशाल्लाह अतीकुर रहमान, जो आपने देखा होगा वीडियो में अक्सर मेरे साथ होते हैं अतीक भाई मेरे दोस्त, वो हज के लिए रवाना हो गए। इंशाल्लाह मुबारक सफ़र पे, और बहुत मुबारक सफ़र पे, उनको बहुत मुबारक हो ये सफ़र। आमीन, उनके लिए भी दुआ करिएगा कि, और तमाम हुजाज के लिए और जितने भी लोग सफ़र में और जाने वाले हैं सब के लिए दुआ करें कि बहुत अच्छा रहे, बहुत आरामदेह रहे और सारे अरकान जो हैं वो अब बड़े मज़ार से हो जाएं, अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से हो जाएं। और दूसरी दो बातें जो मैंने आपको याद दहानी के लिए बतानी है वो ये है कि बड़ी खूबसूरत एक मैं रिवायत पढ़ हदीस पढ़ रहा था, पहले तो मैं आपको बताता हूँ दो बातें जो बहुत कीमती हैं, एक हुज्जाज के लिए हाजियों के लिए और वेल सबके लिए हैं लेकिन हाजियों के लिए स्पेशली हैं, और एक हम सब के लिए। हमारे लिए पहले बताता हूँ मैं हाजियों के लिए, जो हज करने जा रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं और ये पैगाम जहाँ तक ही पहुँच रहा है जैसे भी पहुँच रहा है कि जो आब जमज़म है उसकी उन्होंने बेहरमती नहीं करनी। आब जमज़म दो जहाँ के जितने भी पानी हैं, जहाँ आब कौसर है, कोई जितनी भी नहर है, सबसे अफजल है। इसकी पहले भी मैं वजाहत कर चुका हूँ दूसरी वीडियो में, लेकिन इसको आप पढ़ लें समझ लें कि आब जमज़म आपने पीना है तो बहुत एहतराम से पीना है और शौक व शौक से पीना है। तीसरी बात वो हम सब के लिए है वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपकी हदीस मुबारक है कि या अल्लाह पाक तमाम हाजियों की बख्शिश फरमा, तमाम हाजियों की बख्शिश फरमा। और खूबसूरत बात ये कि तमाम जो हाजी जिनके लिए दुआ करें उनकी भी बख्शिश फरमा। मतलब जब आपने याद रखना है, जब हाजी आए आपके ख़ानदान में, आपके घर में जो मिले उनसे ये ज़रूर कहना है कि मेरे लिए दुआ करें। ये सरकार की हदीस पाक है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह दें और इन्जॉय करें बात को। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा आज जुम्मे के दिन, कितनी अच्छी तीन बातें, और मैं भी कुछ सीखूंगा आप भी सीखें। और आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास अतीक भाई ने भेजे हुए, थोड़े से मैंने कहा कुछ भी भेज दो, सदका है ये तो वो है सदका, मतलब क्या कि सवाब का काम है, चलता रहेगा माशाल्लाह। जैसे आप पिछली भी वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन आज की वीडियो भी आपने ज़रूर ज़रूर पूरी देखनी है, इसलिए कि इसमें बहुत अच्छे मैसेज हैं, बहुत अच्छी बातें और जुम्मे के हवाले से हैं। आप इंजॉय करें और मुझे और सबको, हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, दुआ करें और फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। आप इंजॉय करें अतीक भाई की क्लिप्स और फिर मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह अच्छे ब्लॉग में अच्छी बातों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम जी, बाद नमाज फजर जो है ये रोज़े रसूल पे हाज़िरी का सिलसिला जारी है। अब ऐसा हो गया है कि रोज़े रसूल पे हाज़िरी के लिए सबसे पहले तो आप देखें ये वो लोग हैं जो हाज़िरी के बाद वापस जा रहे हैं, यहाँ से जो है अब वापसी का रास्ता हो गया है। ये वो लोग हैं जिनकी हाज़िरी हो चुकी है और अब वो बाहर आ रहे हैं सहन में। इसी तरह देखें ये रोज़े रसूल है और
यहाँ से जो है ये वो लोग हैं जो रोज़े रसूल पे अंदर जा रहे हैं। मैं भी अभी अंदर जाऊँगा इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ से देखें अब इस तरह से सिलसिला है कि लोग यहाँ से आते हैं। ये सिलसिला है लोगों का आने का। यहाँ से आप एंटर होंगे, गेट नंबर 302, 304, 302, 304, 305, कहीं से भी आप एंटर हो जाएं, वहाँ से स्ट्रेट आएंगे तो ये यहाँ से एंटर होंगे। इस तरह से सीक्वेंस में आप चलते हुए इस तरह आएंगे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। यहाँ पे हर मुसलमान का ये होता है कि हम यहाँ की हाज़िरी देते हैं। बड़ा सिस्टम हो गया, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से, बहुत फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं पहले के मुकाबले में। अब कोई ऐसा नहीं कि रश है, या रश तो है बारह, लेकिन आने जाने का एक तरीका बन गया, बहुत अच्छा तरीका। देखें पीछे आपके दिख रहा होगा जो लोग जा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो आ रहे हैं। तो चलें जी, हम भी चलते हैं इंशाल्लाह, अंदर चलते हैं और कोशिश पूरी करेंगे कि आपको हम अल्लाह के हुक्म से जो है वो रोज़े रसूल पर हाज़िर हों और आपका भी सलाम पेश करें। आइए जी, ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, यादर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नजा आए दीदार अता करना। ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतजर हैं लेकिन ना सुबह आया ना शाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान जी। हम जो इस वक्त रोज़े रसूल के बिल्कुल सामने जालियों के सामने आप सबका सलाम अर्ज़ कर दिया है, पेश कर दिया है, स्पेशली आसिम भाई का, अजीम भाई का, उमर भाई का, और हमारी बहन भाभियों का, बच्चियों का, बच्चों का, सबका सलाम हो। जिसने मुझसे सलाम के लिए हाज़िरी के लिए कहा है, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उसका सल्लम रोज़े रसूल पर सलाम अर्ज करता हूँ, पेश करता हूँ। लफा फूल मकबूल फरमाए रबुल आलमीन। रश आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से, फजर की नमाज के बाद रश थोड़ा कम है, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यारतें हो रही हैं, सारा मामला बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है।